हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने 5.3 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n² फर्स्ट एन टर्म का सम क्या गिवन है, 4n - n² वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, जो क्या है s1 और फर्स्ट टर्म हमारी इक्वली होती है। आगे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, s2 फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट व्हाट इज द सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, a2 फाइंड आउट करना है। सिमिलरली ऐसे ही फाइंड द थर्ड, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, द टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है, एंड द nth टर्म और ap की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ap इज डिनोटेड बाय सम ऑफ n टर्म इज sn, किसके इक्वल गिवन है, 4n - n². ये गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज s1, जो s1 है हमें s1 फाइंड आउट करना है। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम किससे डिनोट करेंगे, s2 से डिनोट करेंगे। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है, a2 फाइंड आउट करना है। देन हमें फाइंड द a3 फाइंड आउट करना है। देन a10 भी फाइंड आउट करना है, और देन an हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, s1 फाइंड आउट करना है। हमारे पास sn गिवन है, sn गिवन है, तो अगर n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास s1 आ जाएगा। तो पुट इसमें n की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो s1 इज इक्वल टू 4 × 1 - 1² 4 × 1 = 4 - 1² 1 क्या हो गया, 3। sn की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई। देन हमें s2 फाइंड आउट करना है, अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा, s2 आ जाएगा 4 × 2, n की जगह 2 पुट कर देंगे, इंटू n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 4 × 2 क्या हो गया 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 8 - 4 क्या हो गया 4 हो गया। तो हमारे पास s1 आ गया और s2 आ गया। देन हम आगे देखेंगे हमें क्या सोल्व करना है, a2 a3 a10 और an। अब हमारे पास s1 किसके इक्वल है, a के इक्वल है, मतलब a की वैल्यू क्या है 3 है, और हमें a2 फाइंड आउट करना है, a3 फाइंड आउट करना है, a10 फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, n की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। लेट्स सपोज दैट हम a3 फाइंड आउट करेंगे। a3 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, a3 के लिए हमें n की वैल्यू तो पता है 3 है, बट a and d की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास a की वैल्यू तो 3 है बट हमें d की वैल्यू नहीं पता, तो हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट कोई भी ap है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, ओके, और फर्स्ट और सेकंड s2 है, तो फर्स्ट टू टर्म का सम है, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या है 4। लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई भी टू टर्म्स लिखी है a1 और a2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 3 गिवन है और इन दोनों का सम क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो हमारी सेकंड टर्म क्या है 1, 4 - 1। ऐसे ही क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट टर्म 3 गिवन है और फर्स्ट और सेकंड दो टर्म का सम 4 गिवन है, तो हमारे पास a2 क्या आ जाएगा, s2 - s1। अगर दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, फर्स्ट वाली टर्म,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A2 आ जाएगा। S2 क्या है, 4 माइनस S1 क्या है, 3। 4 माइनस 1 क्या हो गया, 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1। तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमारे पास A2 की वैल्यू पता है, A1 की वैल्यू पता है, तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लगा m लगाते चलेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि अलग अलग लाइन में हम सोल्व कर रहे हैं। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 इज 4 माइनस A1 इज, A2 इज 1 माइनस A1 इज 3, 1 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। तो हमारे पास S1 की वैल्यू 3 आ गई, S2 की वैल्यू 4 आ गई और A2 की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A3, A10 और An फाइंड आउट करना है। तो हम A3 फाइंड आउट कर सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है 3 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू, D की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2। 3 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 1 आ गई। तो A3 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, A10 फाइंड आउट करना है। तो हम A10 फाइंड आउट करेंगे, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, 3, 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2। 3 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 3 माइनस 18 क्या हो गया, माइनस 15 हो गया। तो A10 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15 आ गई। हमने A3 फाइंड आउट कर लिया, A10 फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, An। An क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस 2। 3 प्लस माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n और माइनस, फिर माइनस 2 की माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 2। अब 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 माइनस 2n। तो an की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2n आ गई। तो हमने क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली सॉल्व किया है। फर्स्ट हमने इसमें बहुत सारे टर्म्स पूछी हुई थी, तो हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने पहले नोट डाउन किया हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमारे पास Sn की वैल्यू गिवन थी और हमें S1 फाइंड आउट करना था, S2 फाइंड आउट करना था, A2 फाइंड आउट करना था, A3 फाइंड आउट करना था, A10 और An फाइंड आउट करना था। तो हम स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे S1। S1 के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 Sn में, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब S1 किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब S2 निकालना है तो n की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो S2 की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब फर्स्ट टर्म 3 है और पहली दो टर्म का सम क्या है, 4 है। ओके, फर्स्ट टर्म 3 है, एक टर्म 3 है और दो टर्म का सम 4 है, तो दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3 1 हो जाएगी। तो A2 क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। देन हम A2 हमारे पास है, A1 है, तो हम A3, A10, An कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो। तो A2 माइनस 1 करके हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या आ गई, D की वैल्यू माइनस 2। देन हमें A3 फाइंड आउट करना है, A3 क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। An का फॉर्मूला होता है ना, An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने A3 की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या आया, माइनस 1 आ गया। देन A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से A10 की वैल्यू आ गई माइनस 15। देन हमें An की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमने AND की वैल्यू पुट की, तो An की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2 है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही 10th क्लास की बुक कंप्लीट मैथ करने के लिए, या हमने
सिक्स क्लास के मैथ की बुक कंप्लीट की है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो किसी को सिक्स क्लास का मैथ कंप्लीट करना है तो क्लास सिक्स नाम से, मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सोल्व कर सकता है। और हम टेंथ क्लास का मैथ कर रहे हैं, 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।